विद्या ने किया मना, आमिर खान है काफी खुश, पा का इंटरनेशनल वर्जन, अक्षय बनेंगे स्टाइलिश कॉन मैन, कटरीना कहेंगी हाय दुबई, राहुल बनेंगे गे। विशाल भारद्वाज की अपकमिंग फिल्म इश्किया में हम नसीरुद्दीन शाह और अरशद वारसी को एक रॉन्ची गाने में थिरकते देखेंगे। वैसे इस गाने में विद्या बालन भी इनका साथ देती दिखाई देती, पर विद्या ने ये कहकर मना कर दिया कि ये सॉन्ग करते हुए वो कंफर्टेबल नहीं रहेंगी। आमिर खान के पैर इन दिनों खुशी के मारे जमीन पर नहीं है, क्योंकि आमिर की प्रोडक्शन फिल्म पीपली लाइव वो पहली इंडियन फिल्म है जिसे यूएस में होने वाले सनडेज फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट किया गया है। अमिताभ बच्चन स्टार ऑफ फिल्म पा को ऑडियंसेस से इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कि अब इस फिल्म के डायरेक्टर आर बाल्की इस फिल्म का इंटरनेशनल वर्जन बनाने की तैयारी कर रहे हैं और इंटरनेशनल ऑडियंस को ध्यान रखते हुए इस फिल्म के कई सीन्स एडिट किए जाएंगे। फराह खान ये पूरी तैयारी कर रही हैं कि उनकी फोर्थ कमिंग फिल्म दी स्मार खान के एक्टर अक्षय कुमार के सेक्सी और स्टाइलिश लुक्स पर कोई लड़की फिदा हो जाए। वैसे अक्षय इस फिल्म में फैशन कॉन्शियस कॉन मैन बने हैं और अक्षय की इस लुक को पाने के लिए इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया गया है। भले ही कटरीना कैफ अपनी खराब तबीयत की वजह से इस साल दुबई में होने वाले कॉन्सर्ट में सलमान खान के साथ परफॉर्म नहीं करेंगी, लेकिन वो स्टेज पर जरूर उतरेंगी। बट शील ओनली वेव आउट टू द क्राउड्स, और सिर्फ इतना ही करने के लिए कटरीना को 80 लाख दिए जा रहे हैं। राहुल बोस अपनी अगली फिल्म आई एम ओमार में एक गे का कैरेक्टर निभा रहे हैं और इस फिल्म में वो अपने गे पार्टनर को किस करते नजर आएंगे। वैसे फिल्म के डायरेक्टर ओनिर अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सीन काफी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है, लेकिन फिर भी वो इस सीन को डिलीट नहीं करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स लेटर इन द डे।